सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों ये देखो, बोलते हैं कि टाटा की गाड़ी एवरेज नहीं देती। ये देखिए, ये टाटा पंच सनरूफ है, टाटा टॉप मॉडल की ये गाड़ी है। वो देखिए 30 की एवरेज दे रही है, 30 की। ये मैंने ट्रिप लगाया था अभी चेक करने के लिए कितनी एवरेज निकालती है। देखो कंटिन्यू 30 की एवरेज दे रही है गाड़ी, 40 की स्पीड पर चल रही है और 30 की एवरेज दे रही है। अगर कोई बोलते हैं कि टाटा की गाड़ियाँ सही नहीं है, 5-स्टार गाड़ी है, ये देखिए 30 की एवरेज दे रही है, फर्स्ट क्लास 40 की स्पीड पे जा रही है। देखिए बिल्कुल रिलैक्स और सिटी मोड पे है। अगर हम इसको इको मोड पे करेंगे और भी ज़्यादा इसकी एवरेज 30 से ज़्यादा तो होगी भी क्या। अभी लास्ट इसका 30 है और 30 की ही एवरेज दे रही है, देखिए दोस्तों, है ना। तो सभी दोस्तों दोस्तों से यही है गुजारिश के टाटा पंच गाड़ी लीजिए, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही मस्त गाड़ी है। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप कोई सोच रहे होंगे शायद मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ टाटा पंच गाड़ी की या किसी कंपनी की, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राउंड पे मैं दिखाना चाह रहा था, मेरा मन कर रहा था कि आज जो मन की भावना है मैं दोस्तों से शेयर करूँ कि ये जो गाड़ी है 30 की एवरेज दे रही है। ये देखिए है ना, ग्राउंड पे दिखा रहा हूँ आपको, कैमरा ऑन है। ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। ये देखिए है ना, सब फ्रंट भी दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए फ्रंट भी देख लीजिए, रोड भी चल रहा है और ये गाड़ी 30 की एवरेज से टूटने नहीं दे रही है। देखो रेस भी कम हो रहा तो भी 30 की एवरेज पर ही अटकी हुई है। तो दोस्तों आप टाटा पंच को अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो इसको आप ज़रूर एक बार देखना, किसी भी गाड़ी की आप ट्राई ले सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू।